इसका भी इंतजार था मुझे, वो भी आ गया। ये आ गया जी अहमद। ये रोटी तो मैंने खाई थी सुबह, लेकिन इनके साथ भी जरूर खाऊंगा, थोड़ी सी खाएंगे हम। ये जी रात का सीन। मुझे कहा कि यार चाचू आप भी भाग कर आए, हम तो यहाँ ना ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं, तीसरा दिन है ईद का और खाना बनाया हुआ है और आप आकर भी खाना खा लें। तो मैं बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ गाड़ी निकाली और गाड़ी निकाल कर मैं यहाँ पहुँच गया। मैं कहा चलें यार थोड़ा सा खाना हम भी इनके साथ खा लें। मेरा बड़ा भाई भी यहाँ मौजूद है और मेरे भतीजे 5-7 वो भी यहीं मौजूद है। खाना लगने लगा है, इंशाल्लाह बैठ गए हैं सारे। हसन आजा भाई। ये जो लोग हैं ना ये वाले, ये खाना बहुत खाता है, ये काले कपड़े जिसने पहने हुए मेरी तरफ चेहरा नहीं करता, और वो जिसकी तरफ मेरी उंगल है ना वो भी खाना बहुत खाता है। ये मेरा बड़ा भाई है, ये उसका बड़ा बेटा है, ये उससे छोटा है, अभी एक आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बेटा है उसका, उसके बाद एक ये बेटा खड़ा हुआ है, ये मेरी उंगल देख रहे हैं आप, ये वाला। हाँ बाकी अभी एक आ रहा है, एक ज़रा चीचा पत्नी गया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ी फैमिली है और अभी तो ज़रदा आगे रखा हुआ है और सलाद रखा है। इसकी शादी करनी है जी अब हमने इसकी, लेकिन जो ये मांग रहा है ना वो मिलेगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। ये जी ईद का तीसरा दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ले जी बाकी तो सब मेहमानों से मैंने आपका तारफ करवा दिया, लेकिन इनसे भी करवाना था। ये मेरा भतीजा मुसम्मल है, ये तीनों उसकी बेटियां हैं और देखे कैसी हैं, और खूबसूरत है, बहुत अक्ल वाली हैं ये, है लेकिन छोटी हैं, काम बड़े बड़े करती हैं, पढ़ती भी बहुत अच्छी हैं। इसका भी इंतज़ार था मुझे, वो भी आ गया। मैं जाने लगा था, मैंने कहा यार ये मेरा तीसरे नंबर वाला भतीजा है और वो भी आ गया। ये आ गया जी अहमद। ये तीन बहनों का एक बेटा है, भाई है उनका, ये मुसम्मल का बेटा है। अहमद कैसे हो? नहीं ठीक। अच्छा गुस्से में बहुत है। और मुसम्मल ठीक हो? सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। चलो जी अब खाना खाएं, इधर आ जाएं यहाँ बैठकर। ये देखिए जी ये कुछ भी खा रहा है ना ये वाला, वो देखो क्या हुआ, वो ये जो है सबसे सेपरेट बैठ कर कुल्फी खा रहा है जी। आज पकौड़े खाने को जी चाह रहा था, पकौड़े खा रहे हैं। ये जी सवेरा है बारबेक्यू वाले। खाना खाने के लिए हम आ गए हैं जी। वो शिंदे बैठे हैं जी दोनों। पकौड़े लेके आए हैं जी, बड़े मज़ेदार है जी। ला जी फुल गर्मी तो गुलफाम थी, अब ज़बरदस्त चाय पियोगे यकीन करके जाने मज़ा आएगा। गुलफाम मैं सही कह रहा हूँ ना, जब भी चाय पी है गुलफाम से बड़ी ज़बरदस्त चाय है। गुलफाम का जी चहेता, गुलफाम का बॉडी गार्ड जी, बहुत सख्त बंदा है तो बच के रहना पड़ेगा। लो जी आज चाय होगी आज ज़बरदस्त। चलो जी बच्चे कहते हैं जरा ना आज जरा रात का सीन जो है ना, जो मेला लगा हुआ है वो देखने जाना है जरा, आज मैं आपको वो भी दिखाता हूँ रात को। उस पर इतनी खूबसूरत लाइटिंग हुई है ना और ज़बरदस्त। नींद तो बहुत आई है लेकिन चलते हैं देखने के लिए, बिजली बार बार बंद हो रही है लेकिन फिर भी हम आज चलते हैं देखने के लिए। हाँ भाई उमर चलें, चले चले। हाँ भाई टिटू, हाँ भाई रुशान चलते हैं, चलिए। क्यों भाई जी? चलें चलें चले। चलो जी चलते हैं, चले। मैंने कहा था ना इसलिए मैं आया हूँ,
मंत्री बनिया बहना बड़े बड़े हाजी लोग बड़े बड़े बोला लोग देखा लाभ ले आए थे। ये जी रात का सीन लोग आए हुए हैं आज सारी रात, यहाँ फिर जश्न होगा और ज़बरदस्त किस्म का मेला है। ये सोते नहीं हैं, ये एक दो बज जाते हैं यहाँ से मैं आपको व्यू नहीं दिखा सकता इसलिए कि आगे दरख्त आ जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं ऊंची जगह पे जो पहाड़ी वाली ग्राउंड की पहाड़ी है उसके ऊपर मैं खड़ा होकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सामने दरख्त आ गए जिसकी वजह से व्यू बिल्कुल साफ नहीं आ रहा और मुश्किल आ रही है। ये है, बहुत ज़बरदस्त है जी, लेकिन मज़ा नहीं है। पूरा पार्क जो है वो गचा गच भरा हुआ है। आज इतवार है, छुट्टी है और ये आखिरी डे है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आज इनका आखिरी दिन है और ये एक दिन के बाद ये सब चले जाएंगे यहाँ से, और इनकी चार दिन की परमिशन थी और ये आज ख़त्म हो जाएगा, ये आखिरी दिन चलेगा और ये रात 1 बजे बंद हो जाता है। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।